श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। बालकृष्णलाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषि विश्वामित्र यज्ञ करता था। તેમના યજ્ઞમાં મારીચ, સુબાહુ વગેરે રાક્ષસો વિઘ્ન કરતા હતા। વિશ્વામિત્ર વિચાર્યું કે રાક્ષસોનો નાશ બીજાથી નહીં થાય અને બીજા કોઈ નહીં કરી શકે, કેવળ રામજી કરી શકશે। તેથી તેઓ રામ લક્ષ્મણને તેડવા અયોધ્યા આવ્યા છે। दशरथ राजाए उठीने वंदन कर्युं छे अने विश्वामित्र मुनिनुं पूजन कर्युं छे। विश्वामित्रे आशीर्वाद आप्या छे, पछी कह्युं छे राक्षसो मारा यज्ञमां विघ्न करे छे, तेथी राम लक्ष्मणने मारा यज्ञनुं रक्षण करवा माटे मोकलो। विश्वामित्रे रामजीनी मांगणी करी छे, तेथी दशरथजी गभराया छे। रामथी छूटा पाड़वानी वातथी एमने खूब आघात थयो छे। दशरथजी कहे छे मारा बाळको बहु नाना छे, कहो तो हूँ आपनी साथे आववा तैयार छूं। पण विश्वामित्र कहे ना, मारे राम लक्ष्मणनुं ज काम छे। दशरथना क्लेशनो पार नथी। तेमने खातरी छे के जळ विना माछली कदाच जीवी शके, पण राम विना पोते नहीं जीवी शके। तेथी कहे छे गुरुजी तमे मांगो तो मारू आखू राज्य आपू, मारा प्राण आपू। राम सिवाय तमने गमे ते आपवा तैयार छूं, पण मारा राम वगर हूँ एक क्षण पण जीवी नहीं सकूं। पिता प्राण आपी सके छे पण पुत्र आपी सकता नथी। पिता पुत्रनो केटलो प्रेम छे। जगत में राम जेवो पुत्र थयो नथी, दशरथ जेवा पिता थया नथी। ज्यारे रामजी वन में गया त्यारे छेल्ला श्वास सुधी दशरथजीए रामजीनुं स्मरण कर्युं। दशरथजी कौशल्याने पूछे छे मारो राम क्यां छे, मारा राम पासे मने लई जाओ, राम वगर हूँ नहीं जीवी सकूँ। अने राम वगर दशरथ जीव्या पण नथी। रामजी गया ते साथे दशरथजीना प्राण लईने गया छे। रामायणनुं एक एक पात्र दिव्य छे। भरत जेवो भाई थयो नथी, सीता जेवी कोई स्त्री थई नथी। रामजी करता पण सीताजीनुं हृदय अति कोमल छे। वाल्मीकि एकवार सीताजीनुं वर्णन करता बोली उठ्या छे के रामायण में रामजीनुं नहीं पण सीताजीनुं चरित्र अलौकिक छे। रामजी सरल छे पण सीताजीनी सरलता तो अद्भुत छे। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आवे छे। रावण साथे युद्ध पूरु थयुं छे। हनुमानजी अशोक वन में आव्या छे। सर्व राक्षसों नो विनाश थयो छे। रामजी नो विजय थयो छे। सीताजी हनुमान ने अनेक आशीर्वाद आप्या के काळ तारो नोकर थईने रहेशे, अष्टमा सिद्धिओ तारी सेवामां ऊभी रहेशे, मनना जेवो तारो वेग रहेशे, बुद्धिवंतोमां तू श्रेष्ठ गणाशे, ब्रह्मचारीओमां तू आदर्श गणाशे। आवा कई कई आशीर्वाद आप्या पण हनुमानजीने तृप्ति थई नहीं। जेनुं नाम हनुमानजी छे एने क्यांथी तृप्ति थाय। आज हनुमानजीनो पावन तहेवार छे, त्यारे आवो। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल भोलन कंदन, सकल अमंगल। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। काल मूर्ति मारुति नंदन मात पिता गुरु गुण पद शारद शिवा समेत शंभु शुक नारद। मात पिता गुरु गुण पद शारद शिवा समेत शंभु शुक नारद मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन। चरण कमल बंदाऊ सब काऊ देहु राम पद में हु निबाऊ। चरण कमल बंदाऊ सब काऊ देहु राम पद में हु निबाऊ। मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन। बंदौ राम लखन वैदेही बंदौ राम लखन वैदेही। यह तुलसी के परम सनेही यह तुलसी के परम सनेही। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। माँ सीताजीए हनुमान जी ने अनेक आशीर्वाद आप्या छे के तारो काळ तारो नौकर थईने रहेशे। अष्ट सिद्धिओ नव निधिओ तारी सेवामां ऊभी रहेशे। तारो वेग मनना वेग जेवो हशे। बुद्धिवंतोमां तू श्रेष्ठ गणाशे। ब्रह्मचारीओमां तू आदर्श गणाशे। आवा तो कई कई आशीर्वाद आप्या पण हनुमानजीने तृप्ति थई नहीं। हनुमानजीए कह्युं मां आपो तो हूँ मागू ते आशीर्वाद आप मारे जोईए ते आशीर्वाद आप। सीताजी कहे माग माग बेटा तू मागे ते आपीश। हनुमान जी कहे छे हूँ पहला लंका में आव्यो त्यारे मैं जोयुं हतुं के राक्षसीओ तमने बहुत त्रास आपती हती। राक्षसोनो विनाश प्रभुए कर्यो तो पण आ राक्षसीओ हजी बाकी रही गई छे ए बधीने मारी नाखुं एवा आशीर्वाद मने आपो। अद्भुत वात करी छे अने एटला माटे मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी के मां हूँ मागू ते आपो मने जे जोईए ए आशीर्वाद आपो। त्यारे सीताजी कहे छे माग मागे ते आपीश। हनुमान जी कहे छे हूँ पहली वक्त लंका में आव्यो ने त्यारे मैं जोयुं हतुं के राक्षसीओ तमने बहुत त्रास आपती हती। राक्षसोनो विनाश प्रभुए कर्यो तो पण आ राक्षसीओ बाकी रही गई छे। आ बधीने हूँ मारी नाखुं एवा आशीर्वाद मने आपो। सीताजी कहे अरे आवुं वरदान कदी मंगातुं हशे। अपकारनो बदलो अपकारथी नहीं पण उपकारथी ज अपाय। मने एमां राक्षसीओनो कई दोष देखातो नथी। तेओ तो रावणना कहेवाथी मने त्रास आपती हती। राक्षसीओ रावणनी आज्ञामां हती। वळी ए दुख मारा कर्मनुं हतुं। प्रारब्ध तो भोगवुं ज पड़े ने। मैं लक्ष्मणनुं अपमान करेलुं तेनुं ए फळ हतुं। मने तो थाय छे के आ राक्षसीओने हुं मारी साथे अयोध्या लई आवुं। हनुमान जी वंदन करे छे मां तमारा सिवाय आवी कोई दया बतावी शके नहीं। राक्षसो माटे राम सरल नथी पण राक्षसीओ माटे सीताजी बहु सरल छे। सीताजी साक्षात दयानी मूर्ति जणाय छे। दशरथजीए विश्वामित्र ने फरी फरीने कह्युं राम ने तो अड़गो नहीं करो। त्यारे वशिष्ठ जी दशरथ जी ने समझावे छे। दशरथ जी नो वशिष्ठ मां पूर्ण विश्वास हतो। तेओ सदगुरु ने आधीन हता। વશિષ્ઠ જીએ દશરથજીને કહ્યું, રાજન, આ વર્ષમાં રામના લગ્નનો યોગ છે, આ વર્ષમાં કુમારોના પણ લગ્નનો યોગ છે, માટે તેમને જવા દો, બધું જ સારું થશે, કુશળ થશે. હવે દશરથજી રાજી થયા છે. તેમણે રામ લક્ષ્મણને ભરી સભામાં બોલાવ્યા છે. રામ લક્ષ્મણે પ્રણામ કર્યા છે. દશરથજીએ કહ્યું, હે રામ લક્ષ્મણ, તમારે વિશ્વામિત્રના યજ્ઞનું રક્ષણ કરવાનું છે. રામ લક્ષ્મણે જેવી આજ્ઞા એમ કહી અને માથે ચડાવી પ્રણામ કરીને નીકળી ગયા છે. માટે જીવનને મધુર બનાવજો. ભગવાન મીઠાસના પ્રેમી છે, માટે જીવનમાં મીઠાસ વધારો. જીવનમાં મીઠાસ સદગુણોથી આવે છે. સર્વને માન આપશો તો તમારું જીવન પણ મધુર થશે. બીજાને માન આપવાથી અને જીવનમાં મીઠાસ, સંયમ, સદગુણો વધારવાથી જીવન મધુર બને છે, ઉત્તમ બને છે. જેના જીવનમાં મીઠાશ નથી એ ભગવાનને ગમતો નથી. વિદ્યાદાન, જ્ઞાનદાન, દ્રવ્યદાન, આ બધા દાનો કરતા માનદાન બહુ ચડિયાતું કીધું છે. માનદાન એ સર્વશ્રેષ્ઠ દાન છે. એક પૈસાનો ખર્ચ પણ નહીં. માટે સર્વને માન આપો. જે કોઈનું અપમાન કરતો નથી, કર્કશ વાણી બોલતો નથી, તેના જીવનમાં મીઠાશ જ મીઠાશ છે. રામ લક્ષ્મણ વિશ્વામિત્ર સાથે પધાર્યા છે. વિશ્વામિત્ર એટલે વિશ્વના મિત્ર, વિશ્વસ્ય મિત્રમ ઇતિ વિશ્વામિત્ર. પાણીનીએ આ પ્રમાણે અર્થ કર્યો છે. અથવા વિશ્વ જેનું મિત્ર છે તે વિશ્વામિત્ર, એટલે કે જીવ વિશ્વનો મિત્ર થાય એટલે શબ્દ બ્રહ્મ તેની પાછળ પાછળ આવે છે, અને તેની પાછળ પરબ્રહ્મ પણ આવે છે. તમે જગત મિત્ર થશો એટલે રામ લક્ષ્મણ તમારી પાછળ પાછળ આવશે. રામ એ પરબ્રહ્મ છે, લક્ષ્મણ એ શબ્દ બ્રહ્મ છે. શબ્દ બ્રહ્મ વગર પરબ્રહ્મ પ્રગટ થાય નહીં. માટે વિશ્વના મિત્ર બનજો. કોઈને જીવનમાં વેરી નહીં માનતા. વિશ્વામિત્રની પાછળ રામ લક્ષ્મણ ચાલે છે. રસ્તામાં તાડકાનો ઉદ્ધાર કરો. વિશ્વામિત્રે બલા અને અતિબદલા નામની વિદ્યા એ રામ લક્ષ્મણને આપી, જેથી એમને ભૂખ તરસ ન લાગે. આશ્રમમાં રઘુનાથજીએ વિશ્વામિત્રને કહ્યું, ગુરુજી, હવે તમે યજ્ઞ કરો, અમે યજ્ઞનું રક્ષણ કરીશું. વિશ્વામિત્ર યજ્ઞની તૈયારી કરી છે. રામ લક્ષ્મણ હાથમાં ધનુષ્ય બાણ લઈ યજ્ઞનું રક્ષણ કરી રહ્યા છે. રામજી આજે સજ્જ થઈને ઊભા છે, અને ભગવાન હંમેશા ભક્ત માટે સજ્જ થઈને જ ઊભા હોય છે. દ્વારિકામાં, ડાકોરમાં, પંઢરપુરમાં કે શ્રીનાથજીમાં ગમે ત્યાં જાઓ, પ્રભુની પ્રતિમા ઊભેલી છે. ભગવાન ભક્તોને મળવા પ્રેમથી ઊભા છે. ભગવાન કહે છે, મારા વૈષ્ણવોને, મારા ભક્તોને મળવા માટે હું પ્રતીક્ષા કરતો ઊભો છું. ઊભો રહી ભક્તોની પ્રતીક્ષા કરું છું. મારાથી વિખૂટો પડેલો જીવ ક્યારે મને મળવા આવે? ઈશ્વર તો જીવની સામે અખંડ જોયા કરે છે, રાહ જોઈને જ ઊભા છે, પણ આ જીવ ઈશ્વરની સામે જોતો નથી. રામ તો જીવને અપનાવવા તૈયાર છે, પણ આ અભાગ્યો જીવ એને મળવા ક્યાં આતુર છે? શ્રી રામ આજાન બાહુ છે. તેમના બંને હાથ ઘૂંટણ સુધી પહોંચે છે. કોઈએ પૂછ્યું કે પ્રભુ, આપે કેમ આટલા હાથ લાંબા રાખ્યા છે? ત્યારે પ્રભુએ જવાબ આપ્યો, મારા ભક્તમાં કોઈ જાડો ભક્ત હોય ને તોય મને એને બાથમાં સમાવી લેવાય એટલા માટે મારા હાથ લાંબા રાખ્યા છે. ભગવાન ભક્તોની કેટલી ચિંતા કરે છે. રામ રીંછને ભેટે છે, રામ વાનરોને ભેટે છે. રામજી સર્વ ઉપર પ્રેમ કરે છે. રામજી ધનુષ્ય બાણ હંમેશા સાથે રાખે છે. ધનુષ્ય બાણને સજ્જ રાખે છે. ધનુષ્ય બાણ વગરના રામના દર્શન કોઈ ઠેકાણે નથી. રાજ્ય સિંહાસન પર બેઠા હોય ત્યારે પણ ધનુષ્ય બાણ, અને મહેલમાં સીતાજી પાસે બેઠા હોય ત્યારે પણ ધનુષ્ય બાણ. ઉપનિષદમાં ઓમકારને ધનુષ્યની ઉપમા આપવામાં આવી છે. ઓમકાર એટલે જ્ઞાન. જ્ઞાન એ જ ધનુષ્ય આરામજીએ ધારણ કરેલું છે. માટે તમે પણ હંમેશા ધનુષ્ય બાણને સજ્જ રાખજો. कारण के राक्षसों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, स्वार्थ वगैरह તમારી પાછળ પડ્યા છે, તમને મારવા આવે છે। પરંતુ રામજીની જેમ ધનુષ્ય બાણને સજ્જ રાખશો, જ્ઞાન વિવેકને સતેજ રાખશો, પ્રતિ ક્ષણે સાવધાન રહે, તેને રાક્ષસ મારી શકે નહીં। રામનું સ્વરૂપ અદ્ભુત છે। शूर्पणखा राक्षसी हती तो राम ने जोता तेने इच्छा थई कि आ राम मारा पति बने। आपणा हृदय राक्षसों करता पण कठोर बन्या छे आजे, केम के राम ने पति बनावानी इच्छा ज थती नथी, ज्यारे राक्षसीओने पण इच्छा थती हती। विश्वामित्र यज्ञ करे छे अने यज्ञना चारेय दरवाजे राम लक्ष्मण पैरो भरे छे। राक्षसों जे दरवाजे जाय छे ते दरवाजे तेओने राम लक्ष्मण देखाय छे। राम लक्ष्मण मन यज्ञ रक्षा माटे एटला बधा सावध छे। विश्वामित्र जी यज्ञ में आहुतिओ आपे छे पण निहाळे छे राम लक्ष्मण ने। यज्ञ करवा बैठा छे अने अंदर नजर रामचंद्र जी उपर छे। श्रुति वर्णन करे छे अग्नि ए ठाकुर जी नु मुख छे, अग्नि मुख थी परमात्मा आरोगे छे, अग्नि नी ज्वाड़ा ठाकुर जी नी जीभ छे। ब्राह्मणों वेद मंत्रों नो उच्चार करी अग्नि में आहुतिओ आपे छे। विश्वामित्र राम लक्ष्मण में दृष्टि राखी स्थिर दृष्टि राखी अने आ यज्ञ करे छे। मननो मेल दूर करवा यज्ञ कार्य करवाना होय छे। यज्ञ स्वाध्याय तपनु तप ध्यान आ बधु फळ छे, आ मन शुद्धिनु फळ छे। परमात्माना दर्शन एटले विश्वामित्र विचारे छे के मारा यज्ञनु फळ तो मारा द्वारे छे अने हुं मात्र अहींया धुवाड़ो खाऊं छुं। विश्वामित्र यज्ञनो आरंभ कर्यो तेनी राक्षसोने खबर पड़ी के राक्षसो विघ्न करवा दौड़ी आव्या छे। रामजीना दर्शन करता मारीचनो स्वभाव बदलाय छे। जेना दर्शनथी स्वभाव बदलाय ते ईश्वर छे। मारीच विचारे छे के आ विश्वामित्रना यज्ञमां विघ्न करवानुं मने केम मन थतो नथी, आजे मारा मનમાં दया केम आवे छे, आ बाळकोને જોઈને મારું મન પલટાઈ કેમ જાય છે, આમ કે આ બાળકોને ફરી ફરીને જોવાનું મને મન થાય છે। મારી રાક્ષસ હતો પણ રામના દર્શન કરતા તેની બુદ્ધિ સુધરી છે। લોકો રામના દર્શન કરવા જાય છે પણ દર્શન કર્યા પછી તેઓની બુદ્ધિ સુધરતી નથી। રાક્ષસોની બુદ્ધિ પણ રામના દર્શનથી સુધરી છે। રામના દર્શન કર્યા પછી બુદ્ધિ જો ન સુધરે તો માનું કે હું રાક્ષસ કરતા પણ અધમ છું। રામના પ્રત્યક્ષ દર્શન કરતા મારીચની બુદ્ધિ બદલાય તેમાં આશ્ચર્ય નથી। રામજીનું નકલી સ્વરૂપ ધારણ કરતા નકલી રામનું ચિંતન કરતા જો રાવણનો કામ મરે છે એમ રામાયણ કહે છે, તો રામના પ્રત્યક્ષ દર્શનથી શું ન થાય। રામજીને યાદ કરીએ એટલે આખું જગત માતૃવત દેખાય છે। एकनाथजी महाराजे લખ્યું છે રામ રાવણનું યુદ્ધ થતું હતું ત્યારે કુંભકર્ણ સૂતેલો હતો। જ્યારે કુંભકર્ણને જગાડવામાં આવ્યો ત્યારે તેને પૂછ્યું મને કેમ જગાડ્યો। ત્યારે રાવણે કહ્યું જાનકી માટે યુદ્ધ થાય છે એટલે જગાડ્યો। હવે કુંભકર્ણ રાવણને કહે છે તું માયાવી રૂપ ધારણ કરી રામનું રૂપ ધારણ કરી સીતાજી પાસે જા, તે રામ આવ્યા છે માનશે અને છેતરાઈ જશે। ત્યારે રાવણ કહે છે આ રામમાં કંઈક જાદુ જેવું લાગે છે, હું રામનું સ્વરૂપ ધરવા જાઉં છું અને જ્યાં તેમના સ્વરૂપનું ચિંતન કરું છું ત્યાં મન બદલાઈ જાય છે। જ્યારે હું માયાવી રીતે રામનું રૂપ ધારણ કરું છું ત્યારે સીતાજી મને માતા રૂપે દેખાય છે, મારાથી રામનો આ જાદુ જીરવાતો નથી। ત્યારે કુંભકર્ણ બોલ્યો છે રામનું માયાવી રૂપ ધારણ કરવાથી તારા જેવા પર એનો આટલો બધો પ્રભાવ પડે છે તો એના અસલ સ્વરૂપનો પ્રભાવ કેવો હશે। રામના સ્મરણથી તું નિષ્કામ બને છે, તેથી મારું મન કહે છે રામ એ ઈશ્વર છે, માટે રામ સાથે તું વેર ન કર, તું મૂર્ખ છે। ત્યારે રાવણે જવાબ આપ્યો કે રામ સાથે મારી વિરોધી ભક્તિ છે। હું એકલો ભજન કરું તો મારા એકલાનું કલ્યાણ થાય, પણ વિરોધ કરું તો મારા આખા વંશનું કલ્યાણ થશે। આ રાક્ષસો તામસી છે, જેઓ ધ્યાન જપ તપ કરી શકશે નહીં। રામજી સાથે વેર થશે, યુદ્ધ થશે તો તેઓને રામજીના દર્શન થશે અને તેમનું કલ્યાણ થશે। अपना वंश नु कल्याण करवा में रामजी साथे वेर कर्युं छे। विश्वामित्रनी पेठे तमे पण यज्ञ करवा बेसो त्यारे प्रत्येक द्वार उपर राम लक्ष्मणने पधरावजो। जप करवो, कथा सांभळवी, मनथी नारायणने मळवुं आ बधा यज्ञो छे के जे गरीबमां गरीब पण करी शके छे। तमारा यज्ञ में राम लक्ष्मण ने बोलावजो। बीजा यज्ञों में तो खूब धन जोईए, ऊंचू कूड़ जोईए, विधुर के विधवा यज्ञ करी शके नहीं। बीजा यज्ञ में प्रायश्चित पण करवू पड़े छे, पण केटलाक यज्ञ एवा छे के जे साधारण ब्राह्मण पण करी शके नहीं, अग्निहोत्री ज करी शके। केटलाक यज्ञों तो एवा छे जे साधारण ब्राह्मण पण करी शकता नथी, ए अग्निहोत्री ज करी शके। यज्ञ करवा पुष्कळ धननो खर्च करवो पड़े छे, पण एक यज्ञ एवो छे के जे कोई पण करी सके, सर्व सामान्य करी सके। तेथी सर्व यज्ञों में आ जप यज्ञ ने श्रेष्ठ कह्यो छे। आँख थी दर्शन करता करता, कान थी सांभळता सांभळता, मन थी स्मरण करता करता आ जप समाधि करशो तो समाधि लागी जशे। आ जप यज्ञ में श्रद्धाए पत्नी है, आत्माए यजमान है, शरीर यज्ञ भूमि है। आ यज्ञ भूमि थी विष्णु ने प्राप्त करवाना है। अने एटला ज माटे श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय 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 जय राम। सर्व यज्ञों में नाम जप यज्ञ सर्वश्रेष्ठ। आँख से दर्शन करता करता, कान से सांभरता सांभरता, मन की स्मरण करता करता जय सीताराम जय श्री राम नु नाम स्मरण करवानुं। श्री राम जय राम। यज्ञना चार दरवाजा एटले इंद्रियोना चार दरवाजा। ते यज्ञ में राक्षसों मारीच सुबाहु एटले के काम, क्रोध, लोभ, मोह आ बधा विघ्न करवा आवे छे। दरवाजा उपर राम कृष्ण ने राखशो तो मारीच विषय विघ्न करी शकशे। आँखों में, मुख में, कान में भगवान ने राखो। एक एक इंद्रिय में भगवान ने राखो। तमारी प्रत्येक इंद्रिय उपर राम लक्ष्मण ने जो पधरावशो एटले के शब्द ब्रह्म अने परब्रह्म ने पधरावशो तो तमारा यज्ञ में मारीच के सुबाहु कोई विघ्न करी शकशे नहीं। तमारा जीवन यज्ञ निर्विघ्ने पूर्ण थशे। ज्ञानी महात्माओं इंद्रियोना दरवाजा बंद राखे छे अने वैष्णवो दरेक द्वार उपर परमात्मा ने पधरावे छे। भागवत नो राहु अने रामायण नो मारीच सरखा छे, ते जल्दी मरता नथी। विश्वामित्र नो यज्ञ पूरो थयो छे, तेवामां जनकपुर थी कुमकुम पत्रिका आवी। सीताजी नो स्वयंवर छे। राम लक्ष्मण विश्वामित्र जनकपुरी तरफ आववा निकळ्या छे। रस्तामां विश्वामित्रे रघुनाथजीने आज्ञा करी के आ शिलाने स्पर्श करो। मातंग ऋषिना आश्रममां एक शिला थी, आ शिला रूप अहल्यानो उद्धार करो। रामजी विचार में पड़े छे, कारण साधक थी लाकड़ानी स्त्री ने स्पर्श पण न थाय, तो अहीं जाणी समझी शिला अहल्याने पग केम अडकाराय। रामजी कहे छे, हूँ चरण थी स्पर्श करूँ तो मने पाप लागे, पर स्त्री ने हूँ केवल वंदन करूँ छू। रामजी ने पण पापनी बीक लागे छे, पण आजकालना लोकोने पापनी बीक लागती नथी, जेम फावे तेम वर्ते छे। पापनी बीक अने ईश्वरनी बीक राखशे ते निर्भय थशे। रामजी कोई परस्त्री ने अडकता नहीं, तेम सीताजी कोई पर पुरुष ने पण अडकता नहीं। आथी महापुरुषोए कविओए कल्पना करी छे कि रामजीए अहल्या ने चरण स्पर्श कर्यो नथी पण ते समये पवनना कारणे रामजीना चरणनी रज उडी अने शिला उपर पड़ी छे। शिलामांथी अहल्या बेठी थई छे। एकनाथजीए लख्युं छे कि चरणनी रज पवनथी उडीने पत्थर पर पड़ी। रामचरणनी रजमां एवी शक्ति छे के अहल्यानो उद्धार कर्यो छे। शल्यारूपी अहल्याने उद्धार कर्यो छे। अहल्या ए बुद्धि छे जे बुद्धि काम सुखनो विचार करे छे ते बुद्धि जड़ पत्थर जेवी बने छे। जे बुद्धि अहल्या एटले विषयनु चिंतन करता करता पत्थर रूप जड़ बनी गई छे। कोमल बुद्धि ईश्वर पासे जई सके, जड़ कठण बुद्धि नहीं। कोमल बुद्धि होय तो पीगड़े। कृष्ण सेवा में, कृष्ण कीर्तन में आनंद मळतो नथी एनु कारण एक ज छे, बुद्धि पत्थर जेवी जड़ बनी गई छे। ते सरळ क्यारे थाय? ज्यारे कोई संत मळे त्यारे, ज्यारे कोई संतना चरणनी रज पावन करे त्यारे ए सरळ बने छे। संतनी चरण रजनो महिमा भारे छे। तो भगवाननी चरण रजनु तो कहेवुं ज। अहल्याजी स्तुति करे छे कि मारा पतिए मने श्राप आप्यो ते सारू कर्यु, तेथी आपना दर्शन थया। ते वखते गौतम ऋषि आव्या छे, कहे छे कि तमे मारी पत्नी ने सदगति आपी छे। आम कही गौतम ऋषिए रामजी ने आशीर्वाद आप्या कि तमारा लग्न सुंदर कन्या साथे थशे। विश्वामित्र राम लक्ष्मण साथे जनक राजाना दरबारमां आवे छे। कुमारोने जोई जनक खूब विचार करे छे। आ ऋषि कुमारो छे के राजकुमारो छे? जनक निश्चय करी शक्या नहीं। विश्वामित्रने पूछ्यु छे आ बाळको कोण छे? विश्वामित्रे कह्युं छे तमे ज निर्णय करो, तमे महाज्ञानी छो। शुकदेवजीना गुरु राजा जनक छे। जनकनुं बीजुं नाम पड्युं छे विदेही। देहमां होवा छतां पण देहना धर्मो जेने स्पर्शी शकता नथी ते विदेही छे। ते जीवते मुक्त छे। धर्मराजाए ज्ञानीनी व्याख्या आपेली छे। ब्रह्मानु भावमां जेने विषय रसनुं भान न रहे ते ज्ञानी छे। आसक्ति अने अभिमान जीवने बंधन करनार छे। ज्ञानी आ बने ने त्याजे छे। तेओए आ दुनिया में सघळुं कार्य करवा छतां पोते कांई करता नथी एवी भावना राखी सर्व कार्य करे छे। आवा अनासक्त जीव सदेह मुक्त छे अने एटले जनक राजा विदेही कहेवाय छे। राजा जनक कहे छे मारी आंखोथी हूँ बधे जोऊं पण मारुं मन तो कोई तरफ आकर्षातुं नथी। मारामां वैराग्य भर्यो छे पण आ कुमारोने जोई मारू मन खूब आकर्षाय छे। मारा मननुं आकर्षण ईश्वर सिवाय कोई करी शके नहीं, जेथी आ जरूर ईश्वर लागे छे। मन उपर केटलो विश्वास छे। आम जनक राजाए रामजीने ओळखी लीधा छे। ते बोल्या आ ऋषि कुमार नथी, आ राजकुमार पण नथी, पण नेति कई जेनुं देवोप वर्णन करे छे। शंकरजी जेनुं सदा सर्वदा चिंतन करे छे ते आ साक्षात परब्रह्म छे, परमात्मा छे। दुष्यंत शंकुतलानुं प्रथम मिलन थाय छे। शंकुतला कहे छे हूँ कण्व ऋषिनी कन्या छूं। त्यारे दुष्यंत कहे छे मारुं मन पवित्र छे, ब्राह्मणनी कन्या मारी मां छे, छतां तने जोई मारुं मन चंचल थाय छे। तेथी तू मारी जातनी कन्या छे एम मारू मन कहे छे। मारू मन ज प्रमाण छे। हवे शंकुतला कबूल करे छे मारा पिता जनक क्षत्रिय छे। कण्व ऋषि तो मारा पालक पिता छे, हूँ क्षत्रिय कन्या छूं। एम जनक राजा कहे छे आज सुधी हूँ निराकार ब्रह्मनु चिंतन करतो हतो पण हवे मन कहे छे निराकार ब्रह्मनु चिंतन छोड़ी आ सगुण रामनु चिंतन कर। निराकार नहीं पण नराकारनु चिंतन करो। विश्वामित्र कहे छे राजा आ तमारी दृष्टिनो गुण छे। ज्ञानीओ अभेद भावथी चिंतन करे छे। तमारी वृत्ति ब्रह्माकार छे एटले तमने एम लागे छे बाकी तो आ तो दशरथ कुमारो छे। जनक महाज्ञानी छे। श्री कृष्णे गीताजी में कर्म द्वारा સિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરનારાઓમાં પહેલું નામ જનકનું ગણાવ્યું છે. જનક આદિ કરીને ચૂપ થયા છે. બીજું નામ કોઈનું આપ્યું નથી. આવા જનક વિદેહી હતા, મહાજ્ઞાની હતા, પૂરા બ્રહ્મનિષ્ઠ હતા. રામ લક્ષ્મણ વિશ્વામિત્ર જનકપુરીની બાર વાડીમાં રહે છે. સાયંકાળે સંધ્યોપાસના કરે છે અને રાત્રિના સમયે વિશ્વામિત્રજીના ચરણની સેવા કરે છે. આશીર્વાદ માગવાથી મળતા નથી, આશીર્વાદ હૃદયમાંથી નીકળે છે. વિશ્વામિત્ર હૃદયથી આશીર્વાદ આપે છે, હે રામ લક્ષ્મણ તમારું કલ્યાણ થાઓ. લક્ષ્મણ રામજીની સેવા કરે છે, રામજી વિશ્વામિત્રજીની સેવા કરે છે. રામજી વિશ્વામિત્રની સેવા કરે, લક્ષ્મણ રામજીની સેવા કરે. લક્ષ્મણ મનમાં વિચારે છે કે આવતીકાલે મોટા ભાઈના લગ્ન થશે, તેથી ચરણ સેવા કરવાનો અધિકાર ભાભીને જશે, માટે આજે છેલ્લો દિવસ છે સેવા કરવાનો. સેવા અને સમરણ વગર ચેન ન પડે તે વૈષ્ણવ છે. મન સેવા નહીં મળે તો મને સેવા નહીં મળે તો આ વિચાર મનમાં આવ્યો ત્યારે લક્ષ્મણજીને અતિશય દુઃખ થયું છે. આંખમાંથી આંસુ આવ્યા છે. પ્રભુએ જોયું આજે મારો ભાઈ લક્ષ્મણ રડે છે. ત્યારે લક્ષ્મણજી સંકોચને લીધે બોલી શકતા નથી, પણ લક્ષ્મણનો હૃદય પ્રેમ રામજી જાણે છે. લક્ષ્મણજીને કહે છે કે લક્ષ્મણ ભલે મારા લગ્ન થાય, લગ્ન પછી ડાબા ચરણની સેવા સીતાજી કરશે, જમણા ચરણની સેવા તું કરજે. ભલે મારું લગ્ન થાય પણ હું તને છોડવાનો નથી. આ છે બંધુ પ્રેમ. એટલા માટે રામને સૃષ્ટિના સર્જનહાર કયા છે. રામ સૃષ્ટિના સર્જનહાર એને તમે ઓળખી લો. રામ સૃષ્ટિના સર્જનહાર એને તમે ઓળખી લો. રામ ભક્તો તણા રખેવાડ એને તમે ઓળખી લો. રામ ભક્તો ના રખેવાડ એને તમે ઓળખી લો. રામ સૃષ્ટિના સર્જનહાર એને તમે ઓળખી લો. કેટલા રામ સરળ ચરણ સેવા કરતા કરતા લક્ષ્મણજીની આંખમાં આંસુ આવે. તરત પારખી ગયા છે. કીધું છે હે લક્ષ્મણ ચિંતા ન કર, ભલે મારા લગ્ન થાય પણ લગ્ન પછી ડાબા ચરણની સેવા ભલે સીતા કરે, જમણા ચરણની સેવા તું કરજે. ભલે મારું લગ્ન થાય પણ હું તને છોડવાનો નથી. આવો બંધુ પ્રેમ રામજીનો હતો. બીજા દિવસે પ્રાતઃકાળ થયો છે. રામ લક્ષ્મણજી વહેલા ઉઠ્યા છે. વિશ્વામિત્રજી શાલિગ્રામની પૂજા કરતા હતા. પૂજા માટે ફળ તુલસી લેવા તેમને મોકલ્યા છે. રામ લક્ષ્મણ પૂજા માટે બગીચામાં ફળ તુલસી લેવા આવ્યા છે. માળીને કાકા કહીને બોલાવ્યા છે. માળીએ જોયું તો રામ લક્ષ્મણજી ઊભા છે. માળીએ કહ્યું હું તો આપનો અધમ નોકર છું. રામજીએ કહ્યું તમે ઉંમરમાં મોટા છો, માનના અધિકારી છો. વિનય જોઈ માળી વારંવાર રામજીને વંદન કરે છે. નિત્ય તુલસીજીને વંદન કરનારને કોઈ રોગ થતો નથી, માટે તુલસીજીને વંદન કરજો. તુલસીજીને પ્રણામ કર્યા વગર તુલસી ક્યારેય તોડશો નહીં. તોડો ત્યારે પ્રણામ કરીને કહો કે ઠાકોરજીના ચરણારવિંદમાં તમને પધરાવવા માટે મને તોડવાની આજ્ઞા આપો. તુલસીજી એ રાધાજીનો અવતાર છે. સાયંકાળ પછી તુલસીજીને સ્પર્શ કરવો નહીં. રોજ તુલસીજીની અને પાર્વતીજીની પૂજા કરે તો અખંડ સૌભાગ્ય રહે છે. તે સમયે સીતાજી ત્યાં પધાર્યા. સીતાજીની દ્રષ્ટિનું મિલન થયું છે. આ કથા તુલસીદાસજી લઈને આવ્યા છે. બીજા કોઈ રામાયણમાં આ કથા નથી. પછી સીતાજીએ જગદંબાને વંદન કરી અને પ્રાર્થના કરી છે મને રામજી જેવા પતિ મળે. સ્વયંવર થયો છે. જનકજીએ જાહેર કર્યું મારી ત્રણ દીકરી, આ મારી દીકરી 3 વર્ષની હતી ત્યારે આ ધનુષ્યનો ઘોડો બનાવીને રમતી હતી, માટે જે આ ધનુષ્યનો ભંગ કરશે તેને હું મારી સીતા परणावीश, मारी आ कन्या परणावीश। रावण पण त्यां आवेलो, विना कारण कलह करे तेज रावण छे। पोतानी जय पोते बोलावे ते रावण छे। हमेशा आत्म प्रशंसा कर्या करे ते रावण छे। सीता स्वयंवरमां रावण पोतानी जय पोते बोलावे छे। धनुष ऊंचकવાનો प्रयत्न करी पोते बोल्यो, बोलो रावण की जय, एम बोल्यो छे। पार्वतीजीए शिवजीने कह्युं के तमारा चेला रावणने बहु अभिमान थयुं छे, माटे रावण धनुष्य न उठावी शके एवो कांक उपाय करो। उपाय थयो छे, शिव घणो सूक्ष्म रूपे धनुष्य उपर चढ़ीने बैठा छे के जेथी धनुष्य कोई उठावी शके नहीं। रावण धनुष्यने उठावी शक्यो नहीं। रावणनी फजेती थई छे। रावणनी फजेतीथी बीजा राजाओ सावधान थया छे। रावण तो चालतो चालतो अहींथी गयो, पण आपणी शुं दशा थाय? धनुष्य उठाववा हवे कोई प्रयत्न पण करतो नथी। छेवटे विश्वामित्रजी आज्ञा करी एटले रघुनाथजी आशीर्वाद मेळवी धनुष्यनो भंग करवा ऊभा थया छे। सीताजी प्रार्थना करे छे, हे भगवान शिव, आ धनुष्य हळवू फूल जेवू थई जजो। रामजीए शिव धनुष्य ने वंदन करे छे। धनुष्य उठाव्यू छे, लीलामां नमाव्यू एटले कड़भूष धनुष्यना बे टुकड़ा थया छे। बधे रामनो जय जयकार थयो। विश्वामित्रे हवे आज्ञा करी के सीताजी बहार पधारे, अमे राम सीताना दर्शन करिए। सीताजीए विजय माला लीधी छे। सुंदर कन्या विजय माला पहेरवा तैयार नथी। सुंदर कन्या विजय माला पहेरवा तैयार नथी। सीताजी हार पहेराववा प्रयत्न करे छे। बे हाथ ऊंचा कर्या छे। हाथे पहेरेली रत्न बंगड़ीओमां रामजीनुं प्रतिबिंब देखाता जानकी जेवा तन्मय थई गया छे के रामजी माथुं नमावता नथी। आ जोई विश्वामित्र पासे आव्या छे। गुरुजीनी आज्ञा मळी रामजीए विजय माला धारण करी छे। बोलिए सीताराम भगवान की जय। त्यारबाद जनक राजाना सेवको कुमकुम पत्रिका लई अयोध्या आव्या छे। दशरथजीए पत्रिका वांची लग्न माटे आप अयोध्यानी प्रजा साथे जनकपुर आवो। राम दशरथजी ने अतिशय आनंद थयो छे। प्रातः कालमां वशिष्ठ वगैरेनी साथे दशरथजीए जनकपुर आववा माटे प्रयाण कर्युं छे। रस्तामां शुभ शुकनो थया। बे ब्राह्मणो तेमज सौभाग्यवती स्त्री माथे बेडू लईने मळ्या छे। जाम जनकपुरमां आवी जनक अने दशरथजी मळ्या छे। जनकपुरीमां दशरथजीनुं जाननुं स्वागत थयुं छे। विश्वामित्र साथे राम लक्ष्मण आव्या छे। राम लक्ष्मणे पिताजीने प्रणाम कर्या छे। नारदजीए लग्न मुहूर्त आप्युं छे। मार्गशीर्ष मास शुद्ध पाचम अने गोरज समये जान आवी अने धनतेरसे ते गई छे। वसंत पंचमी पछी आ तो रघुनाथजीनुं लग्न छे। रघुनाथजी लग्न करवा जाय छे त्यारे कामदेव घोड़ो थईने आव्या छे। कामनो घोड़ो करी कामनी छाती उपर चढ़ी अने राम लग्न करवा जाय छे। साधारण मानव लग्न करवा जाय छे त्यारे काम तेनी छाती उपर चढ़ी बेसे छे। सर्वत्र आनंद आनंद थई गयो छे। विधिपूर्वक सीतारामनु लग्न थयुं छे। साथे लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नना पण लग्न थया छे। जनक कहे छे, कन्यादान करूं छुं। रामजी सरल छे, कहे छे के तेनो हुं स्वीकार करूं छुं। पछी लक्ष्मणजी कहे छे के अमे क्षत्रियो दान आपीए छीए, अमे दान लेता नथी। हुं प्रतिगृहणामीनो स्वीकार करूं छुं, एवुं नहीं बोलूं। रामजी समजावे छे, लक्ष्मण बोलवुं पड़े। कहे छे के तमे बीजू कहो ते कहवा तैयार छूं, पण दान तरीके कन्या नहीं स्वीकारो। छेवटे विश्वामित्रजी समझावे छे के आ शब्द बोल्या वगर लग्न पाकू न कहेवाय। ते पछी लक्ष्मणजी बोल्या के हूँ स्वीकारू छूं। लग्न पछी सीतारामजी जमवा बेसे छे। भोजन में जरा विनोद होय तो वधारे जमाय छे। जनकपुरीनी स्त्रीओ विनोद करे छे। दशरथजी ने छोकरा क्या था? राणीओ खीर खाधी एटले छोकरा थया। लक्ष्मणजी थी आ विनोद जरा पण सहन थयो नहीं। ते बोली पड्या कि अयोध्या में खीर खावाथी छोकरा थाय छे पण जनकपुरी में धरती मांथी कन्याओ निकळे छे। एकी बेटीनी रमत रमाय छे, तन बे पण मन एनुं नाम लग्न। लग्न पछी पण पति पत्नी बे नहीं, एक ज रहे छे। गृहस्थाश्रम अद्वैत सिद्ध करवानुं पहेलुं पगथियुं छे। सीताजी पूछे छे, बोलो एकी के बेकी? राम जी कहे छे एकी। सखीओ हसे छे, कहे छे के आज सुधी एकला हता पण हवे तो बेकी थया तो ए कहे छे एकी। लक्ष्मण जी कहे छे मोटा भाईए कह्युं ते बराबर छे। लग्न थया पछी पति पत्नी एक ज रहे छे, तेथी बेकी होवा छतां एकी। सीता अने राम एक ज छे। राम सीता ए बे नथी, सीताराम अभिन्न छे। राम सीतानुं लग्न थयुं। रंग महोत्सव थया पछी त्यांथी तेओ अयोध्या आववा प्रयाण कर्युं छे। सीताजी साक्षात महालक्ष्मी जनकपुरी छोड़ीने जाय छे। विदाय वखते माताजीए चोखाथी खोड़ो भर्यो छे अने चोखा वेर्या छे। आज पण मिथिलामां चोखा खूब उत्पन्न थाय छे। विश्वामित्रनुं खूब सन्मान कर्युं छे। घेर आव्या पछी दशरथ राजाए राणीओ रूबरू जनक राजाने खूब वखाण कर्या छे। कन्याना माता पिताना वखाण करशो तो कन्या राजी थशे। सीताजी ते सांभळे छे। गृहस्थाश्रमने सुखी करवानी आ चावी छे। दशरथ कहे छे आ पारकी कन्या आपणा घरे आवी छे, तेनुं रक्षण पापणोनी जेम करजो। जेम आँखोनुं रक्षण पापण करे छे एम कौशल्याने कहे छे तमे आ दीकरीओनुं रक्षण करजो। आनंदना दिवसो जता वार नथी लागती। हवे रामचंद्रजी 27 वर्षना अने जानकीजी 18 वर्षना थया छे। एक दिवस दशरथजीए दर्पणमां जोयुं तो मुकुट वांको हतो। विशेष जोयुं तो कानना वाळ पण धोळा थया हता। कानना वाळ धोळा देखाय त्यारे मानवानुं के अति वृद्धावस्था आवी छे। दशरथजीए विचार्युं के मने वाळ धोळा बोध आपे छे, मने धोळा वाळ बोध आपे छे के हवे तमे वृद्ध थया छो, तमे हवे रामने गादी उपर बेसाडो। दशरथ कहे सीतारामनो राज्याभिषेक थाय अने मारी आंखे हूँ निहाळुं, बस मारी आज इच्छा बाकी रही छे। दशरथनुं राज्य ए प्रजातंत्र राज्य छे। दशरथ मंत्री अने प्रजाजनोनी सम्मति सिवाय रामजीने गादी उपर बेसाड़ी शके नहीं। दशरथ राजाए महाजन अने मंत्रीने बोलाव्या छे, तेमनी आगळ रजूआत करी छे के तमारा बधानी इच्छा होय तो आवतीकाले रामजीनो राज्याभिषेक करो। सुमंत मंत्री बोल्या छे अमारी पण ए ज इच्छा छे। ते ज वखते वशिष्ठजी राज दरबारमां आव्या छे। बधाए ऊभा थई मान आप्युं छे। नारदजीए वशिष्ठजीने प्रणाम करीने पूछ्युं करीने कह्युं छे आज प्रजानी इच्छा छे के रामचंद्रजीनो राज्याभिषेक थाय, आप आज्ञा आपो। वशिष्ठजीए सम्मति आपी त्यारे दशरथजीए सारुं मुहूर्त मांग्युं छे। वशिष्ठ जाणता हता के मुहूर्त तो आपूं पण मुहूर्तमां रामचंद्रजी गादी उपर बिराजवाना नथी। वशिष्ठजीए कोई दिवस आप्यो नथी, कह्युं रामजी जे दिवसे गादी उपर बेसे ते दिवस श्रेष्ठ छे। वशिष्ठजीनी गुढार्थ वाणी दशरथजी समजी शक्या नहीं, तेथी तेओ नक्की करे छे के आवतीकालनो दिवस अति उत्तम छे। आवतीकाल ज राम राज्याभिषेक थाय। तरत एमणे हुकम कर्यो राज्याभिषेकनी तैयारी करो। ताबड़तोब तैयारीओ थवा लागी छे। दशरथजीए वशिष्ठजीने कह्युं रामनो राज्याभिषेक करवानो छे, ते रामने हूँ नहीं कहूँ, तमे रामजीने कही दो। वशिष्ठ रामचंद्रजीना महलमां पधार्या त्यां तेमणे रामने कह्युं आवतीकाले तमारो राज्याभिषेक थवानो छे। बधाने आनंद थयो पण मारा रामजी थोड़ा उदास थाय छे। रामजी कहे मने एकलाने गादी उपर बेसाड़ो छे। वशिष्ठ कहे छे राजा तो एक ज होय। रामजी कहे ना ना, अमारा चारे भाईओनो राज्याभिषेक करो। मारो लक्ष्मण राजा थाय, मारो भरत राजा थाय, आम अमे चारे भाईओ राजा थईए। वशिष्ठ मंद मंद हास्य करी कहे छे राजा तो एक ज होय के जे ज्येष्ठ होय ते ज राजा थई शके। राम तमे ज्येष्ठ छो, तमे मोटा छो। एवामां लक्ष्मणजी त्यां आव्या छे। राम जी कहे, लक्ष्मण बापूजी आवती काले मने राजा बनावे छे। लक्ष्मण हूँ तो नामनो राजा छू, पर भाई आ राज तारू ज छे हो, आ राज लक्ष्मी तारी छे। तू कहेश कहीश तेम हूँ चालीश। राम ए सर्वना अंतर्यामी छे, परंतु लक्ष्मण रामना अंतर्यामी छे। लक्ष्मण ने आनंद थयो छे, ए सौने कहता फरे छे के मोटा भाई गादी उपर बिराजशे अने हूँ चमर लईने ऊभो रहीश। आज आखा अयोध्या ने शणगारवामां आव्युं छे। वशिष्ठनी आज्ञा प्रमाणे दशरथजीए हुकम कर्यो छे। हृदयमां आनंद समातो नथी। दशरथजीना जीवननो आ छेल्लो दरबार हतो। आ सूर्यवंशनी पवित्र गादी उपर रघु राजा भगीरथ दिलीप विराजता हता। ते गादीने दशरथे प्रणाम कर्या छे। कहे छे के अत्यार सुधी हूँ तमारी गोदमां बेसतो हतो, हवे आवती काले मारो राम तमारी गोदमां बेसशे। मारा रामनुं तू रक्षण करजे, गादीने कहे छे। बधाने आनंद आनंद थयो, पण देवोने दुख थयो छे। तेनुं कारण हतुं तेओने थयुं के आवती कालथी राम गादी उपर बेसशे तो ए पछी अयोध्यामां ज रोकाई जशे। पछी रावण ने मारवा कोण जशे। विघ्नेश्वरी देवी नु आवाहन कर्युं छे। विघ्नेश्वरी देवी त्यां आव्या छे। देवोए कह्युं अयोध्यामां जई अने राम राज्यना रामना राज्याभिषेकमां विघ्न कर। महात्माओ कहे छे के सर्व रीते सुखी थाय ते काळने गमतुं नथी। दशरथ राजाना सुखने काळनी नजर लागी छे। काळ कोनु नाम? विघ्न नाखे ते काळ, एटले तो एने काळ कहे छे। विघ्नेश्वरीए विचारे छे के हूँ कोना शरीरमां प्रवेश करूं। विचार करता करता तेनी नजर मंथरा पर पड़ी छे। मंथरामां विघ्नेश्वरी देवीए प्रवेश कर्यो छे। महात्माओ कहे छे के कौशल्यानी थोड़ी भूल हती। दासीए दौड़ता जई कौशल्याने कह्युं, मां मां रामनो राज्याभिषेक थवानो छे। कौशल्याए तरत मोतीनो हार काढी दासीने आपी दीधो अने दासीनुं सन्मान करीने कह्युं के आजे तो मोतीनो हार आपू छुं, पण आवती काले मारो राम राजा थशे त्यारे मारो राम तने मारा जेवुं मान आपशे। दासीने अति आनंद थयो। तेने रस्तामां मंथरा मळी। मंथराए पूछ्युं के मली आज बहु आनंदमां देखाय छे। दासीए कह्युं मारा राम राजा थवाना छे। तो जो तो खरी आजे तो मने मोतीनी माळा मळी छे, पण आवती काले मने जे मान मळे ते तू जोजे। हूँ तो कौशल्यानी दासी छुं, तने टीको। परमार्थमां कदाच मोटी भूल थाय तो प्रभु क्षमा करे छे, पण व्यवहारमां भूल थाय, थोड़ीक पण भूल थाय तो लोको क्षमा आपता नथी। कौशल्याए घरना नोकरोने आप्युं, पण सौख्यनी दासीओने आप्युं नथी। तेमने आप्युं होत तो आ विघ्न आवत नहीं। जेम गृहस्थाश्रमीने व्यवहार करवो पड़े छे, तेम साधु महात्माने पण मोटी चणानी जरूर छे। त्यां सुधी व्यवहार करवो पड़े छे। व्यवहार करो, पण व्यवहारमां मळी जशो नहीं। मनमा स्थूल अने सूक्ष्म बे भेद छे। मननो स्थूल भाग भले व्यवहारमां होय, पण मननो सूक्ष्म भाग हमेशा परमात्मामां परोवी राखजो। पनिहारी पाणीनु बेडू माथे लईने आवे छे, त्यारे तेनु स्थूल मन वातोमां भले होय छे, पण एनु सूक्ष्म मन बेडामां होय छे। तेम व्यवहार करती वखते क्यारे भगवानने भूलशो नहीं। बाळकमां सूक्ष्म रीते मन राखी मां घरना बधा कामकाज करे छे, तेम तमे व्यवहारमां सूक्ष्म रीते सतत मन परमेश्वरमां राखी जो व्यवहार करशो तो व्यवहारमां सफलता मळशे। कौशल्यानी दासीए मंथराने मेणु मार्युं एटले मंथराना हृदयमां ईर्षानो अग्नि प्रगट थयो। मंथरा कैकेयी पासे आवी रड़वा लागी छे। कैकेयीए पूछ्युं, अरे केम रड़े छे? मारी वाली दासीने रड़वुं पड़े एवुं ते शुं थयुं छे? शुं बन्युं छे? मंथरा आंखमां दड़दड़ आंसू लावीने कहे छे, आंसू सारे छे पण कंई बोलती नथी। कैकेयी विचारमां पड़ी जाय छे के कंई अनिष्ट तो नथी थयुं ने? रामजी प्रत्ये आ कैकेयीने खूब प्रेम छे, भारे प्रेम छे। तेथी रामना कुशल क्षेम पूछे छे। मारा राम आनंदमां तो छे ने? पतिनु कुशल पहेलुं पूछवुं जोईए, पण रामजी उपर अलौकिक प्रेम छे, तेथी रामजीना कुशल पहेला पूछे छे। मंथरा कहे छे, रामजी तो आनंद में ज छे ने, रामजी ने वड़ी शुं दुख छे। तेना पिता आवती काले रामनो राज्याभिषेक करे छे। कई कई आ सांभळी खुश खुश थई छे। मंथरा ने हार आपीने कहे छे, मंथरा ने हार आपे छे, पोतानो पहेरेलो हार काढीने आपे छे। कई कई में हजू कलीनो प्रवेश थतो नथी। मंथराए हार फेंकी दीधो छे। कई कईए पूछ्यु छे, अली सर्वने आनंद थाय एमां तने आटलुं बधुं दुख केम थाय छे? मंथराए धरती पर पड़तुं मूक्युं। मंथरा रड़ती रड़ती कहे छे, राम राजा थाय के भरत राजा थाय मने शुं मळवानुं छे? हूँ तो दासीनी दासी ज रहेवानुं छुं, रहेवानी छुं। मारो स्वार्थ नथी। आ तो तारुं बगड़े छे ते तने सुधारवा आवी छे। एज समय कई कई ने दया आवी छे, तेणे मंथरानी पीठ उपर हाथ फेरव्यो छे। मंथरानो स्पर्श थता मंथरामाना कलीए कई कईना शरीरमां प्रवेश कर्यो छे। शास्त्रमां स्पर्श दोषनुं बहु वर्णन छे। कोईने स्पर्श करशो नहीं। कई कई मंथरा ने स्पर्श कर्यो छे, एमांथी रामायण थयो। कई कई कहे, मंथरा खरू तो कहे, तने आटलू आटलू बधु दुख साथी थाय छे? मंथरा जवाब आपे छे के तारू बगड़े छे ते माराथी जोवातुं नथी, पण तने कशी खबर पड़ती नथी तो हूँ हवे काई नहीं बोलू। कई कई कहे, तू कह तो खरी, तू कहे ते करवा तैयार छे। मंथरा कहे, कई कई तू बहु भोड़ी छे। तारो कांटो दूर करवा कौशल्याए आ षड्यंत्र रच्युं छे। 15 दिवसथी राज्याभिषेकनी तैयारीओ थाय छे, छतां तने खबर नथी। राज्याभिषेकनी आटली शी उतावळ छे। कौशल्याना कहेवाथी भरत शत्रुघ्नने मोसाळ मोकल्या छे। बधा राजाओने आमंत्रण आप्युं छे, पण मारा भरत शत्रुघ्नने कोई याद करतुं नथी। भरत शत्रुघ्ननी गैरहाजरीमां आ राज्याभिषेक थाय छे एटला उपरथी समजजे। कई कईनुं मन हली गयुं छे। तेना मनमा शंकानो कीड़ो सळवळ्यो छे। मंथरा समजावे छे, रामनो राज्याभिषेक थया पछी लक्ष्मण रामना खास मंत्री थवाना छे अने भरतने कैदखानामां राखशे। पछी तू कौशल्यानी दासी तरीके अहीं रही शकशे, राणी तरीके नहीं। उदास स्वरे कई कई कहे छे, तो पछी हुं शुं करी शकूं? मने 3 दिवसथी खराब स्वप्न आवे छे। अरे रे, आ शुं थशे? मंथरा कहे छे, हजी बाजी तमारा हाथमां छे। राजा पासे तमारा थापण तरीके जे बे वरदान छे ने, ए जे तमे पहेलाना राखेला छे, ए वरदानने आज ज मांगी लो। प्रथम वरदानमां भरतजीने राज्य मळे एवुं मागजो, अने बीजा वरदानमां रामने 14 वर्ष सुधीनो वनवास मांगो। तमे वस्त्र आभूषण फेंकी अने क्रोध भवनमां दाखल थाओ, भागो अहींथी, पण जोजो राजा लाड करे तेथी भोळवाता नहीं। रामजीना सौगंध खाई ने मागवानुं कहे ने त्यारे ज जीभ खोलजो, नहीं तो राजा पाछा फरी जशे अने बाजी बगड़ी जशे। कई कई क्रोध भवन में दाखल थया छे, जईने धरती पर पड़े छे। रोज दरबार पूरो थाय छे, पछी महाराज कई कई पासे आवे छे। आजे कई कई ना महल में आव्या छे, कई कई देखाती नथी। जाणवा मळ्युं के राणी क्रोध भवन में पड़ा है। महाराज ने फाड़ पड़ी। आज क्रोध भवन में कई कई आवा सुखना वक्ते कई कई सासारू क्रोध कई कई ने सा माटे क्रोध भवन में जवू पड़े? चाल जटेनो क्रोध उतारी नाखो। धैर्य धारण करी महाराज क्रोध भवन में प्रवेश कर्यो छे। महाराजा दशरथ कई कई नजीक आव्या, त्यां कई कईए कह्युं, खबरदार, मने स्पर्श कर्यो छे तो? कई कई तिरस्कार करे छे। दशरथ जी कहे छे, कई कई ते मने केटली वार कहेलू, ते केटली वार कहेलू, रामजी राजा थाय तो केटलो आनंद आवे, मने स्पर्श करता नहीं। कई कई के त्यारे दशरथ राजा फरी कहे छे, कई कई ते मने एक वार कहेलू के तमे वृद्ध थया छो, तेथी रामने गादी उपर बेसाडो। मैं तारू कहेवू कर्युं छे। आवती काले रामनो राज्याभिषेक छे, तने आनंदना खबर आपवा आव्यो छे। भरत ए वैराग्यनुं स्वरूप छे, शत्रुघ्न ए सद्विचार छे। आ बने दशरथ पासे होय तो कई कई दशरथ कई कई ने आधीन क्यारे न थाय, पण आ बने दशरथ थी दूर गया छे। एटले दशरथ जी संयम कई कई ने कहे थाय छे। ખાવાનું ન મળે અને ઉપવાસ કરે એનું મહત્વ નથી, પણ ખૂબ મળ્યું હોય છતાં સંયમ રાખે તે સાચો વૈરાગી છે। વૈરાગ્યનું એ રહસ્ય છે જેની પાસે કશું નથી। એણે બધું છોડ્યું એમ કહેવાય નહીં, પણ મનમાં કામના ઘણી છે। આ તો કશું નથી એનું વૈરાગ્ય છે। ખરો વૈરાગ્ય તે જે સર્વ અનુકૂળતા હોવા છતાં છોડે। ભરતજી એવા વૈરાગ્યનું પ્રતીક છે। કૈકેયીનો ક્રોધ ઉતરતો નથી ત્યારે દશરથજી કહે છે, હે કૈકેયી, તારો ક્રોધ ઉતાર, આજ તારે માગવું હોય તે માગ। કૈકેયી કાંઈ બોલતી નથી ત્યારે રામજીના સોગંદ ખાય છે। કૈકેયીને દશરથજી કહે છે, મેં મારે રામજીના સોગંદ કોઈ દિવસ લીધા નથી, આજે હું રામના સોગંદ ખાઈને કહું છું, તું જે માગીશ તે આપીશ। દશરથ રામના શપથમાં બંધાયા એટલે કૈકેયી બોલી છે, મારા બે વરદાન અનામત છે, તે આજે મારે માગવા છે। દશરથ કહે છે, કૈકેયી, બેને બદલે 4 વરદાન માગ, આમાં ક્યાં મોટી વાત છે? કૈકેયી કહે, માગ્યા પછી ના પાડો તો? ત્યારે દશરથ કહે છે, રઘુકુલ રીતિ સદા ચલી આઈ, प्राण जाय अरु वचन न जाय। प्राण जाए पर मारू वचन नहीं जाए, एवी आ रघुकूळनी रीत छे। कई विना संकोचे मांग। वचन एटले वचन, बोल्या पछी हूँ क्यारेय नहीं फरू। हूँ रघुकूळ छू, रघुवंशनो राजा छू। तू माग माग, मारू वचन मिथ्या क्यारेय नहीं थाय। त्यारे कई बोली छे, पहेला हूँ ए मागू के मारा भरतनो राज्याभिषेक थाय। मंथराए कईकेयीने कही राख्युं हतुं के रामने पहलो रामने वनवास मांगीश तो राजाने मूर्छा आवशे अने कदाच बीजुं वरदान मांगवानुं रही जशे। दशरथ कहे छे, भले तारी इच्छा अनुसार भरतनो आपणे राज्याभिषेक करशुं, एमां क्या मोटी वात छे? बोल बीजुं वरदान शुं छे? कईकेयीए बीजुं वरदान मांग्युं, मारा भरतने राज्याभिषेक अने रामने 14 वर्ष वनवास में मोकलो। बीजू वरदान सांभळी भरतजी दशरथजी निस्तेज थया छे, मूर्छा आवी गई छे। भान आव्युं त्यारे दशरथजी कहे छे, कईकेयी, ते बीजू वरदान बराबर नथी मांग्यो, तू मारा रामने वनमां केम मोकले छे? एणे तारो शुं अपराध कर्यो छे? तू मारा रामने मारी आंखोथी दूर न कर, राम वगर हूँ जीवी शकीश नहीं। पाणी विना माछली कदाच जीवी शके, मणी विना सर्प दुख थी कदाच दिन थईने भले जीवी शके, पण हूँ साचुं कहूं छुं, राम विना मारू जीवू शक्य नथी। कईकेयी भरतनो राज्याभिषेक करीश पण रामने अयोध्या मां राख। कईकेयी, मैं तने पूछ्या कर्या वगर राज्याभिषेकनी तैयारी करी एटले तू गुस्से थई लागे छे, पण कौशल्याना कहेवाथी हूँ आ कांई करतो नथी। कईकेयी कहे, कौशल्या केवी छे अने रामजी केवा छे ते बधुं हूँ जाणुं छुं, वचन नहीं पाड़ो तो तमारे नरकमां जवुं पड़शे। आ तमारी रघुकूळ नीति क्यां गई, रीति क्यां गई? दशरथ राजाए कईकेयीने मनाववा प्रयत्न कर्यो पण कईकेयी मानती नथी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोले रामचंद्र भगवान।